everyone, welcome back to my channel Sheen's World. Today I'm going to share with you the use of am, is, are in the sentences. So let's get started. First of all, हम am का use समझ लेते हैं. Am is always used with I. Am हमेशा I के साथ use होता है. I am. इसके साथ हम कुछ examples ले लेते हैं. I blank a good child. I इसके साथ हमेशा क्या आएगा? Am. I blank 4 years old. I के साथ हमेशा क्या आएगा? Am. कभी भी बच्चे को आप am is are का कंसेप्ट सिखा रहे हो कि किस तरह से उनको सेंटेंसेस में यूज करना है और कहां यूज करना है, यू ऑलवेज मेक दिस टाइप ऑफ चार्ट विच हेल्प्स द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी वेरी इजीली. नेक्स्ट इज यूज ऑफ इज जो है वो हमेशा ही शी इट सिंगुलर नाउन मीन्स वन पर्सन वन प्लेस वन एनिमल या वन थिंग के साथ यूज होता है. ही इज शी इज इट इज सिंगुलर नाउन. फॉर एग्जाम्पल राम इज, अगर प्लेस का एग्जाम्पल लेते हैं तो ताजमहल इज, बटरफ्लाई इज, थिंग में ले लीजिए द टॉय इज. इस तरह से बच्चों को जब एग्जाम्पल के साथ आप समझाएंगे तो बच्चे की जो कंसेप्ट है वो बहुत जल्दी क्लियर होगी, बच्चा बिल्कुल भी नहीं भूलेगा. आप बच्चे को ये समझाते हैं कि ही के साथ इज यूज होता है तो साथ साथ आप एग्जाम्पल भी दे दीजिए. फॉर एग्जाम्पल ही डैश हंग्री, तो ही के साथ क्या आएगा? इज. ही इज हंग्री. द सेम वे शी, शी डैश थर्स्टी, शी के साथ क्या आएगा? इज. शी इज थर्स्टी. द सेम वे इट के साथ इज आए, इट डैश अ टॉय, इट के साथ क्या आएगा? इज. इस तरह से जो फिगर ड्रॉ करेंगे तो बच्चा बहुत ही इजीली इज के यूज को समझ जाए. सिंगुलर नाउन में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं रमा डैश अ गर्ल. रमा सिंगुलर नाउन है, एक सिंगल पर्सन है तो इसमें इज यूज होगा. लेट्स रिकैपिचुलेट. ही शी इट सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन कैन बी पर्सन प्लेस एनिमल थिंग एटसेट्रा, तो उसके साथ हमेशा क्या यूज होगा? इज. ऑलवेज यूज आर विद द यू वी दे एंड एनी प्लूरल नाउन. यू आर वी आर दे आर और कोई भी प्लूरल नाउन. फॉर एग्जाम्पल मेनी पर्सन्स मेनी प्लेसेस मेनी एनिमल्स मेनी थिंग्स, हमेशा उनके साथ आ यूज होगा. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स. आप जब भी बच्चों को ग्रामर का कोई भी कंसेप्ट समझा रहे हो तो आप बच्चे को एग्जाम्पल्स के साथ समझाएं. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स. यू डैश अ के साथ क्या आएगा? आर. ऑलवेज आर. यू आर अ बॉय. वी आर चिल्ड्रन. दे आर, सो लेट्स टेक एग्जाम्पल. दे आर पेंटर्स. एनी प्लूरल नाउन. मेनी पर्सन्स मेनी प्लेसेस मेनी एनिमल्स एंड मेनी थिंग्स. कैट्स डैश ड्रिंकिंग मिल्क. हियर द कैट्स कम अंडर द प्लूरल नाउन्स. सो व्हाट विल बी यूज्ड? कैट्स आर ड्रिंकिंग मिल्क. आफ्टर गिविंग द कंसेप्ट ऑफ एम इज आर, हमें बच्चों को ये एक रीडिंग एक्सरसाइज देनी है जिसमें बच्चे को सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ रीड आउट करना है, सो दैट द कंसेप्ट बिकम्स मोर एंड मोर क्लियर. आई एम डांसिंग. ही इज डांसिंग. शी इज डांसिंग. इट इज डांसिंग. गीता इज डांसिंग. गीता हेयर इज सिंगुलर नाउन.
सिंगल पर्सन, सिंगुलर नाउन, वेदर दे आर पर्सन, प्लेस एंड के साथ हमेशा इज यूज होता है. यू आर डांसिंग, वी आर डांसिंग, दे आर डांसिंग. गर्ल्स, हियर गर्ल्स आर प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन मीन्स मेनी पर्सन, प्लेसेस, एनिमल, थिंग्स, उनके साथ हमेशा आर यूज होगा. गर्ल्स आर डांसिंग. नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज नंबर 1. चूज द करेक्ट ऑप्शन. इनिशियली जब बच्चे को आप एम, इज और आर से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज देते हैं तो इस तरह का मैप ड्रॉ कर लें. इससे क्या होगा कि बच्चे को रिकॉल करने में इजी होगा. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल. आई एम, इज, आर, टीना. सो आई के साथ हमेशा क्या यूज होगा? एम. आई एम टीना. वी, इज, आर, एम हंग्री. सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? वी के साथ हमेशा क्या यूज होगा? आर. वी आर हंग्री. इट, एम, इज, आर अ बर्ड के साथ क्या यूज होगा? इज. इट इज अ बर्ड. दे, इज, एम, आर नाइस गर्ल्स. दे के साथ क्या यूज होगा? आर. दे आर नाइस गर्ल्स. द कैट, इज, एम, आर ऑन द टेबल. तो कैट यहां क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगल एनिमल है, वन एनिमल. तो इसके साथ क्या यूज होगा? इज. कैट इज ऑन द टेबल. शी, एम, इज, आर इन द हाउस. शी के साथ क्या यूज होगा? एम, इज या आर? इज. यू, एम, इज, आर अ डॉक्टर. यू के साथ क्या आएगा? आर. यू आर अ डॉक्टर. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एम, इज, आर. इस एक्सरसाइज में वो कंसेप्ट मैप बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक दो बार बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा उस मैप के साथ तो उसे कंसेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएगा. माय फादर डैश एट वर्क. फादर इज अ सिंगुलर नाउन, सो व्हाट विल बी यूज्ड? इज. आई डैश अ पेंटर. आई के साथ क्या आएगा? एम. वी डैश चिल्ड्रन. वी के साथ क्या यूज होता है? आर. इट डैश संडे टुडे. व्हाट इज यूज विथ इट? इज. दे डैश इन द कार. दे आर इन द कार. चिल्ड्रन डैश प्लेइंग आउटसाइड. चिल्ड्रन, दे आर प्लूरल. चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड. आई डैश नॉट टायर्ड. व्हाट इज यूज विथ आई? एम. आई एम नॉट टायर्ड. द बैग डैश हैवी. बैग हेयर इज सिंगुलर नाउन, सिंगल थिंग, वन थिंग. सो व्हाट विल बी यूज्ड? इज. यूज हेयर आर प्लूरल नाउन, एंड प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज होता है? आर. बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बिकॉज बर्ड्स हेयर आर प्लूरल नाउन. व्हाट दे आर? प्लूरल नाउन. मदर इज अ सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज होगा? ऑलवेज is. With this we have come to the end of this am, is, are concept sessions. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस. कीप वॉचिंग. थैंक यू.